आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपकी यही प्रॉब्लम दूर करेगा, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल की, अलग अलग तरीके की चार ब्रेड की झटपट बनने वाली रेसिपी, जिन्हें बनाना तो आसान है ही, साथ के साथ इतनी डिलीशियस है, आप घर में रखे सिंपल से सामान से ये नाश्ते कभी भी तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्टेंट आलू बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 6 ब्रेड स्लाइस। अब यहाँ ब्रेड स्लाइस को हम करेंगे बीच में से कट, यानी इसमें से हमें गोल सर्कल निकालना होगा, और जो हमारे साइड के बच गए थे ना एजेस, उसको हम मिक्सी में डालकर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, यानी ब्रेड क्रम बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू उबालकर छील करके ठंडा होने के बाद मैंने बढ़िया से मैश कर लिया। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। जो भी ब्रेड क्रम हमने तैयार किया ना मिक्सी में पीस करके, बड़ी वाली चम्मच से लगभग 6 बड़े चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्प भी आएगा, साथ के साथ बाइंडिंग हो जाएगी आलू की, फटेगा नहीं फिर आलू। और 2 चम्मच डाल रही हूँ चावल का आटा, सिंपल राइस फ्लोर ऑप्शनल है क्योंकि हम ब्रेड क्रम तो डाल ही चुके। जाएगा स्वाद अनुसार नमक और गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी सा हमारा आलू का मिक्स है बिल्कुल तैयार। बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप बेसन, इसमें डालिए स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालिए थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कीजिए, मतलब ऐसे समझ लीजिए ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला। ये देखिए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का, यानी जब मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो ये गिर रहा है और उसमें फिर मर्ज हो जा रहा है। आप लीजिए 1 ब्रेड की स्लाइस, जो भी हमने गोल काटी ना बस वो वाली ले लीजिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी शेजवान सॉस। अब इसको सजाएंगे बिल्कुल बर्गर की तरह। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ 1 अनियन स्लाइस, अब इसके ऊपर जाएगी 1 टमाटर की स्लाइस, और ये ना मैंने छोटे छोटे पीसेस तो शिमला मिर्च भी इस पर इस तरह मैं लगा रही हूँ। साथ ही इसको बढ़िया लुकिंग देने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ 1 पनीर की स्लाइस। अब जो हमने आलू वाला मिक्स तैयार किया ना, इसमें से 1 नींबू के बराबर की आप बॉल निकाल लें, यानी हिस्सा निकाल लें, और इस तरह हाथ से गोल करें, थोड़ा टिक्की की तरह से प्रेस कर लीजिए बिल्कुल ऐसे, इसके ऊपर इससे कवर कर दीजिए इस तरह से, जो एजेस हैं उसको प्रॉपर हम सील कर देंगे दबाते हुए। यही बस एक जरूरी पॉइंट है कि जो आप सील करें ना वो अच्छे से ब्रेड के साथ दबा दीजिएगा। और ये लीजिए हमारा इंस्टेंट आलू बर्गर है इस तरह से बन करके तैयार, यानी 3-in-1 रेसिपी। और ये देखिए हमारे सारे आलू बर्गर से बिल्कुल तैयार। अब कढ़ाई में ऑयल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से ऑयल को गर्म कर लेंगे, और इसको आपको आलू की तरफ से बिल्कुल डिप नहीं करना है, ये जो ब्रेड वाली साइड है ना बस आपको इस तरह से हल्का सा डिप करना है, ये देखिए बस नीचे नीचे ब्रेड की तरफ। और बढ़िया गर्म तेल में फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम किया हुआ है, जिस साइड आलू है ना उसको पहले फ्राई करेंगे, धीरे से आप डाल दीजिए, और अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसे नीचे से गोल्डन सिकने देंगे। 1 स्पून से ये जो साइड से ऑयल है इसके ऊपर आप इस तरह डाल दीजिए, जिससे कि ये भी जल्दी जल्दी सिकता जाए। अब धीरे से जब आपको साइड से लगे कि गोल्डन सा कलर आ गया है, 1 चम्मच से आप धीरे से इसको पलट दें। सुपर, बहुत ही बढ़िया, मुझे कलर नीचे से भी दिख रहा है, ये देखिए वाह सुपर, एकदम बढ़िया नीचे से भी हमारा बर्गर बन सिक गया है। तो बस इस स्टेज पर इसको हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा झटपट बनने वाला बहुत बहुत टेस्टी न्यू स्टाइल का इनोवेटिव इंस्टेंट आलू बर्गर। फ्लफी टेस्टी ब्रेड वेजी पेनकेक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए 5 सैंडविच ब्रेड, और ग्राइंडिंग जार में इस तरह से रफली बस ब्रेड को आप तोड़कर डाल दीजिए। 1/2 कप सूजी, मान के चलिए 6 बड़े चम्मच मैंने सूजी ली है। अच्छे टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और अपने बैटर को बाइंडिंग देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें जो इसका घोल तैयार करना है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, फिर जरूरत अनुसार और ऐड कर लेंगे पानी, पहले इतना पीस लेते हैं। और ये लीजिए एकदम स्मूथ बैटर इस तरीके का हमें तैयार करना होगा। तो हमारी फ्लफी वेजी पैनकेक्स के लिए बैटर है बिल्कुल रेडी। तो इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, और साथ ही जाएगी इसमें 4 बड़े चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 गाजर बारीक कटी हुई, साथ ही जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा गाढ़ा फील हो
तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके एडजस्ट कर लें। हमारा बैटर हो गया है रेडी बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का, जैसे डोसे के लिए होती है ना, बस वैसा ही। और अपनी ब्रेड वेजी पैनकेक्स को फ्लफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 सेकेंड इनो का, जो लेमन वाला होता है मैंने वो लिया है। अब 1 चम्मच इसके ऊपर डाल दीजिए पानी, जिससे ये एक्टिवेट हो जाए। देखिए बबल्स आ गए ना। बस अब जेंटली एक ही डायरेक्शन में इसे कर देंगे मिक्स। इस पर डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो बस इस तरह से कीजिए पैन को ग्रीस, और पैन के हल्का गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 2 लेडलफुल अपना बैटर। बस हल्का सा आप इस तरह से कर दें इसको स्प्रेड, थोड़ा सा फैला दें। और अब लो फ्लेम पर इस पर लगा देते हैं 2 मिनट के लिए लिड। तो लगभग 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए बहुत सॉफ्ट होती है, तो इस तरह से धीरे से पलट लेंगे। सुपर। तो चलिए नीचे से भी इसको 1 मिनट और सेक लेते हैं। तो इस पर फिर से लगा देंगे लिड। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, परफेक्ट। हमारी हेल्दी टेस्टी पैनकेक है बिल्कुल तैयार। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही फ्लफी सॉफ्ट मजेदार हेल्दी टेस्टी ब्रेड वेजी पैनकेक। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, छिलका हटा करके इस तरह से ठंडा कर लिया। आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रेड रोल के लिए आलू हल्के ठंडे ही लें। तो बस एक मैशर से उबले हुए आलू को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। तो ये लीजिए आलू मैंने इस तरह से मैश कर लिए हैं, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, हल्के से इस तरीके के। सबसे पहले ब्रेड रोल का मसाला बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच चॉप्ड अदरक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 प्याज बारीक कटी हुई, और साथ में जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हल्के हाथ से सारी चीजों को करिए मिक्स। और ये देखिए मैंने बढ़िया से पूरी स्टफिंग को मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं बड़ी यमी सी है, ऐसे ही खाने का मन हो जाएगा। इसमें से लीजिए इतनी स्टफिंग जैसे नींबू के साइज की, और इसका ना इस तरह से आलू का रोल बना लीजिए, इससे ना आपको भरने में आसानी होगी। तो ये तो हो गए हमारे क्लासिक ओल्ड इज गोल्ड ब्रेड रोल वाली स्टफिंग। अब मैं आपको बताती हूँ 3 और नए फ्लेवर। तो पहला मैं बना रही हूँ शेजवान ब्रेड रोल। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर सिंपल जो भी हमने स्टफिंग तैयार की थी ना, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच शेजवान सॉस। ये हमारा बन जाएगा शेजवान ब्रेड रोल का स्टफिंग। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट फ्लेवर। फिर से स्टफिंग लेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ नूडल मसाला, जैसे मैगी मसाला या पास्ता मसाला, कोई भी मसाला हो, ये वाला जो पैकेट्स में निकलते हैं ना वो ले लीजिए, और इसका भी हम रोल बना लेंगे। अब ये मैं बना रही हूँ चीजी ब्रेड रोल, यानी पिज्जा वाले ब्रेड रोल। तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच पिज्जा वाली सीजनिंग। अब यहाँ आप ले लीजिए चीज स्लाइस, यहाँ पर आप लीजिए मिक्स, और इसका एक रोल तैयार करेंगे। मिक्स को थोड़ा सा फैलाइए, और इसमें से आप एक इस तरीके से स्ट्रिप ले लीजिए चीज स्लाइस की, और सब तरफ से कर दीजिए बंद। तो ये भी हमारे तैयार हो गए, इसी तरह और भी बना लेंगे। अब ब्रेड रोल बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सिंपल सैंडविच ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड के पहले हम थोड़े से एजेस कट कर लेंगे। अब आप लीजिए ब्रेड, और ये मैंने लिया है पानी, ऐसे ब्रेड को पकड़िए, हल्का सा पानी पर छुलाइए, इतना भर भी बहुत है। अब पलटिए ब्रेड को, फिर से इस तरह चलाइए, और हाथ की हथेली पर रखकर धीरे धीरे पूरी ब्रेड को स्क्वीज कर दीजिए। अब आप लीजिए मिक्स, और मिक्स को डायगोनली, यानी इस तरह से डायमंड शेप में, जैसे बर्फी होती है ना डायमंड शेप में, यहाँ बीच में रखिए, आसान पड़ेगा सब तरफ से कवर करना। इसको इसके ऊपर लाइए, और ये इसके ऊपर, यहां से इसको बाइंड करेंगे, क्योंकि ब्रेड भीगी हुई है तो तुरंत हल्के प्रेशर से ही जुड़ जाएगी। और इस तरह से थोड़ा सा हाथ से दबाइए, और सब तरफ से ब्रेड को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो सारे ही ब्रेड रोल्स हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से तैयार करने के बाद आप इसे रख दीजिए थोड़ी देर पंखे में, और पूरी तरह से इसको सूखने दीजिए। इसे अवन में आप बेक भी कर सकते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन या एयर फ्रायर में लगभग 15 मिनट के लिए आप इसे बेक भी कर सकते हैं। थोड़ी देर मैंने ब्रेड रोल्स को इसी तरह रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था, अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऊपर से हल्के हल्के से ड्राई हो गए हैं। गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में ऑयल डालकर बढ़िया से गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और एक एक कर अपने ब्रेड रोल्स डालते जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही जरूरी पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर ऑयल नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा लो फ्लेम पर, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म तेल में ही हमें ब्रेड रोल को डालना है। तो अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे हम ब्रेड रोल को, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और जब बबल्स कम हो जाए तो एक स्पून से धीरे धीरे आप, वाओ देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है। और ये देखिए मस्त मस्त ब्रेड रोल, परफेक्ट, और वो भी मिनटों में, बहुत कम समय लगता है फ्राइंग में, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए
अब बताइए, लग रहा है एकदम समोसे स्टाइल। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी ब्रेड रोल। जरूर बनाइए और आप देख सकते हैं इनकी लुकिंग और टेक्सचर। वेजी ब्रेड पकौड़ा टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 4 सैंडविच ब्रेड। सबसे पहले आप लीजिए एक ब्रेड स्लाइस। शेजवान सॉस को थोड़ा सा हम इस तरह से ब्रेड पर लगाएंगे और सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस। अब आप एक लीजिए नाइफ और नाइफ से इसको दो पार्ट में करेंगे डिवाइड। ये लीजिए, अब आप लीजिए एक बड़ा सा बोल और बोल में हम डालेंगे 1 कप बेसन। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप ले लीजिए, उससे 1 कप बेसन डाल लीजिए। अब यहाँ हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला जिससे इसमें और भी बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही अब इसमें जाएगी 2 बड़े चम्मच प्याज बारीक कटी हुई, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, साथ के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टमाटर बारीक कटे हुए, और फ्रेशनेस के लिए साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसका हम तैयार करेंगे एक गाढ़ा घोल। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पहले थोड़ा डालिए और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप गैस पर रखें एक पैन या तवा, उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। हम लेंगे हमारा बैटर और बैटर में जो हमने बैट तैयार की थी शेजवान सॉस लगा करके, इस तरह से धीरे से डिप करेंगे और गर्म पैन पर इस तरह से हम टोस्ट को सेकेंगे। बहुत ही यमी रेसिपी है, आप जरूर इसे ट्राई करें। बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इसी तरह नीचे, देखिए बहुत बढ़िया, एकदम गोल्डन हो गए हैं ये देखिए, एकदम बढ़िया कलर, और देखिए सब तरफ से सिका हुआ। तो चलिए अब इसे निकालते हैं और करते हैं सर्व। और चटनी तो पहले से लगी हुई है, तो हमें इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डिप चटनी सॉस की भी जरूरत नहीं। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार हैं हमारे झटपट बनने वाले बहुत ही टेस्टी ब्रेड वेजी पकौड़ा टोस्ट। लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। तो देखा आपने कि ब्रेड से आप कितनी वैरायटी की चीजें बना सकते हैं, वो भी सिंपल घर में रखे सामान से, और टेस्ट में तो पूछिए मत, एक से एक बढ़िया। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए 4 में से आपको ब्रेड की कौन सी रेसिपी सबसे बढ़िया लगी और आप इसे कब बना रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। और फ्रेंड्स, मेरी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।